गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाइसिकल राइड पे और पूरे लगभग 11 महीने बाद लास्ट हमारी बाइसिकल राइड हुई थी नवंबर में, और नवंबर के बाद अभी अक्टूबर आ गया है, ऑलमोस्ट 11 मंथ हो गए हैं। मैं बता दूं आपको, हम जा रहे हैं आज लोधी गार्डन। लोधी गार्डन बहुत ही शानदार एक गार्डन है, और साथ में इसमें मोनामेंट्स हैं, बहुत पुराने मोनामेंट्स हैं, मतलब कि 600-700 साल पुराने मोनामेंट्स हैं, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारे भाई लोग आ गए हैं, जेडी भाई, ये है सैनी भाई, क्षितिज भाई, आपका नाम है नितिश भाई, पहले भी गए थे ना आप? एक बार गए थे। वी आर रेडी टू राइड, लगभग 6 बज चुके हैं और चलते हैं अपना लोधी गार्डन, जो कि हमें लगभग 1 आवर लगने वाला है। पूरा आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। वहाँ 7-7:30 तक पहुँचेंगे, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद वापसी आ जाएंगे। तो चलते हैं अब अपनी राइड पे। तो गाइस, अभी हम जेल रोड को क्रॉस कर रहे हैं और मेरी राइट हैंड पे ये है एशिया की सबसे बड़ी जेल, तिहाड़ जेल, और ये अपने भाई लोग आगे जा रहे हैं, 3 आगे, जेडी भाई, क्षितिज भाई और ये अपने सैनी भाई, सब आगे जा रहे हैं और हम हैं सबसे पीछे, और ये पीछे सीएनजी स्टेशन, हरिनगर का सबसे बड़ा सीएनजी स्टेशन। अब फ्लाईओवर आ रहा है, पीछे से ही जाएंगे। फ्लाईओवर में तो वाट लग जाती है यार, पूरा दम निकल जाता है फ्लाईओवर चढ़ने में। नीचे से जाएंगे, ये सामने आ रहा है फ्लाईओवर, लेकिन नीचे से भी रास्ता है। तो आज हम आपको ले के चल रहे हैं लोधी गार्डन। धोला कुआं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ये सामने देखियो, और ये सनराइज हो चुका है, और बहुत शोर शराबा है। ये सनराइज सामने, और हम धोला कुआं को क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं 11 मूर्ति, ये पीछे मेरे हैं 11 मूर्ति, और ये हमारे सारे फ्रेंड खड़े हैं इधर, और बाइक साइकिल भी हमारी वहीं पे खड़ी हैं। और समय जो हुआ है, समय 7 बज चुके हैं और हमें 1 आवर लग गया है अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 11 मूर्ति पहुँचते, क्योंकि हम काफ़ी आराम से आ रहे हैं, रुकते हुए आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया राइड चल रही है। मौसम बिल्कुल एकदम चिल है, हल्की हल्की ठंडापन है, लेकिन पसीने आ रहे हैं, पूरे पसीने में तर बतर हो चुके हैं। और ये हमारे भाई लोग पीछे, और ये पीछे मेरे 11 मूर्ति। चलते हैं, अभी जो रूट है 3 मूर्ति होते हुए जाएंगे, और बहुत ही क्लासिक रूट है, बहुत ही शानदार रूट है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और बहुत ही मतलब कि बहुत साफ़ सुथरा रूट है, ये बाइसिकल के लिए बहुत ही शानदार रूट है। लेफ्ट हैंड पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉल है, यहाँ पे जब इंदिरा गांधी जी को गोलियाँ लगी थी, उसका सारा ब्लड यहाँ पे अभी तक संजो के रखा हुआ है। उनकी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल पे। अभी हम हैं सफदरजंग रोड पे, जो ये रास्ता जाता है सफदरजंग टॉम्ब को। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सफदरजंग टॉम्ब, ये है सामने मेरे राइट हैंड पे दिखाई दे रहा होगा, सफदरजंग टॉम्ब है। हमारा सबसे पहला बाइसिकल जो ब्लॉग बना था वो सफदरजंग टॉम्ब का ही था, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं सफदरजंग टॉम्ब बाइसिकल का ब्लॉग। और इसके अलावा मेरे काफ़ी बाइसिकल के ब्लॉग्स हैं, आप देख सकते हैं, उनके लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आई बटन ऊपर मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, हम पहुंचने वाले हैं लोधी गार्डन में, और ये काफ़ी अच्छा रोड है और व्यू है बहुत ही शानदार।
यही लगा देते हैं यहाँ। तो समय हुआ है 7:25 और हम हैं गेट नंबर 1 पे लोधी गार्डन में, और ये एंटर कर लिया है। और ये सुबह 6 बजे खुल जाता है, बहुत ही शानदार गार्डन है ये। यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब कि टॉम्ब है यहाँ पे, और इब्राहिम लोधी का टॉम्ब है यहाँ पे, और इसके अलावा एक दो टॉम्ब और हैं, मैं दिखाऊँ आपको। 1936 में इसको गार्डन बना दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये सामने देखिए टॉम्ब नज़र आ रहा है बिल्कुल, और ये गार्डन दिल्ली का सबसे प्यारा गार्डन है ये लोधी गार्डन। तो गाइस ये सामने जो प्राचीन इमारत आपको देख रहे हैं ये है बड़ा गुंबद। जैसे ही हम गेट नंबर 1 लोधी गार्डन में एंटर करते हैं, और ये कुछ ही दूरी पे आपको ये सामने बहुत ही प्राचीन इमारत, बड़ी इमारत आपको दिखाई देगी। और इसके बैक साइड पे भी है एक शीशा गुंबद है, वो भी इसी प्रकार की एक बहुत ही शानदार इमारत है, प्राचीन इमारत। इसके साथ आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी, और कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मोहम्मद शाह का टॉम्ब भी है और इब्राहिम लोधी का टॉम्ब भी है। तो अभी आपको सब मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको, तो एक एक करके हम सब एक्सप्लोर करने वाले हैं, अंदर से देखते हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं शीश गुंबद पे, तो अभी अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। शीश गुंबद का आकार एक गुंबद से मिलता जुलता है, फिर भी इस इमारत की सजावट कुछ अलग तरह की है। बाहरी दीवार पर लगे नीले रंग के चमकदार टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुंबद पड़ा है। ये ऊपर नीले रंग की टाइलें लगी हुई हैं, और इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि यहाँ किन्हें दफनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मकबरा प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का है, जिसकी मृत्यु सन 1489 में हुई थी। गुंबद के अंदरूनी छत के पलस्तर को उकेर कर अलंकृत किया गया है, इसी पर चित्रकारी की गई है। जाहिद भाई हमारे साथ आ चुके हैं लोधी गार्डन में। हेलो जी, हेलो हेलो अम्मा जी। 25 किलोमीटर साइकिल, मैं ओनली 10 किलोमीटर साइकिल। और अब ये वापस 25 किलोमीटर करेंगे, मैं फिर 10 किलोमीटर करूंगा। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको मोहम्मद सईद का मकबरा देखने, ये पास में ही है। और ये पूरा लोधी गार्डन में ये 3 मोनूमेंट्स हैं, बहुत ही शानदार मोनूमेंट्स हैं। प्राचीन काल और वर्तमान काल का बहुत ही शानदार मिश्रण यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। पूरा गार्डन है, आप सैर करें, योगा करें, जो मर्जी करें, यहाँ तो बहुत ही शानदार है। फुल स्पीड दाएं बाएं हर जगह, और बिना गियर की साइकिल भी चला रहे हो। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मोहम्मद सईद के मकबरे पे। ये सामने देखिए बहुत ही शानदार इमारत, प्राचीन काल की इमारत। अभी एक्सप्लोर करते हैं उसको, अंदर से जाके देखते हैं। और ये चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, बहुत ही शानदार व्यू है, पूरा फोटोजेनिक व्यू है यहाँ चारों तरफ, बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी होती है यहाँ पे। ये देखिए सामने फोटोशूट चल रहा है, तो अभी हम चलेंगे वापसी। तो गाइस ये है गार्डन का व्यू, और ये है ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक, और यहाँ पे योगा होती है और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी अपना आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है यार, संडे को तो और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, खूब भीड़ होती है।
ये देख लो चारों तरफ, और हमारे जाहिद भाई भी आ गए हैं। लंबा जी ने आज प्री वेडिंग शूट कर दिया। तो बेचारे प्री वेडिंग शूट वाले जाके खड़े हो रहे हैं, लंबा जी बीच में उनके आसपास वीडियो बना रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो यार हमने कैमरे भाई हमने भी तो अपना ब्लॉग बनाना है ना। तो लंबा जी आपको उनको एक एडवाइस देनी थी, आपको आना चाहिए वीकडेज, संडे को नहीं आना चाहिए भाई। आपको फोटो शूट कराना हो तो किसी को तो संडे को बताना भाई। संडे को नहीं तो हम लोग आपको फिर मिल जाएंगे। और ये हमारे आयुष भाई और जायद भाई दोनों आ गए हैं लोधी गार्डन में। हम दोनों किस ऑब्जेक्टिव से आए थे, फोटोज एक्सचेंज करने। आप देख सकते हैं, और ये केबल लाया लेन पता नहीं किस काम की है। और मेरे पीछे है बड़ा गुंबद, और इसके पीछे है शीशा गुंबद जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और बहुत ही शानदार ये गार्डन है, बर्ड्स इन लोधी गार्डन। और ये देखिए चारों तरफ का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लोधी गार्डन। मज़ा आ गया यार, आज का वसूल हो गया पूरा। तो ये गेट नंबर एक का रास्ता है सीधा, सामने गेट नंबर एक है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, वहीं से वापसी जाएंगे क्योंकि हमारी वहाँ बाइसाइकिल खड़ी है हमारी, और मैंने एक ही लॉक से अपनी पाँचों बाइकें बांध दी थी। मैं सुबह 6 बजे उठा, 5 बजे उठा, फिर मैं सो गया। मैं कह रहा अभी तो जैद भाई आने से रहे, फिर मैं कह रहा चलो एक झपकी और। आदत सुधार ली है, ये 3-4 राइड में हर बार आधा घंटा लेट है, आज की राइड में तो 2 घंटे लेट होता हूं। लेट होना अलग है, डिले और पोस्टपोन। और बाइक चलाई बराबर ही चलाई आपके साथ साथ? हाँ साथ साथ चलाता रहा भाई, लड़का ऐसी बात। अच्छा, ये है लोधी गार्डन मेन गेट, चारों तरफ का व्यू। तो ये हमारी बाइसिकल खड़ी है सारी, तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर को। तो गाइस लोधी गार्डन को एक्सप्लोर करके बहुत ही आनंद आ गया, मज़ा आ गया। और दिल्ली में ऐसा गार्डन आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। अगर आप दिल्ली आते हैं तो लोधी गार्डन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको 600 साल पुरानी मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो अब हम सीधे जा रहे हैं अपने घरों को। रास्ते में अगर मूड होगा तो चाय पानी कहीं पियेंगे, नहीं तो सीधा चलेंगे घरों को। तो आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।